कल्याण पूर्व मधील नगरसेवक मनोज रॉय यांनी वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. कैलास नगर येथील आपल्या जनसंपर्क कार्यालयापासून त्यांनी वृक्षारोपण कार्यक्रमाला प्रारंभ केला. कैलास नगर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक न्यू सबरी सोसायटी समता स्कूल परिसरात त्यांनी वृक्षारोपण केले. कल्याण पूर्वचे आमदार गणपत गायकवाड यांनीही या कार्यक्रमात सहभागी होऊन सहाय्य केले. या कार्यक्रमात मनोज रॉय यांचे कुटुंबीय, परिसरातील नागरिक, महिला, युवक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टीव्ही न्यूज. मैंने मेरे वार्ड में वृक्षारोपण जो किया है ना, मैंने खुद के लिए किया है. खुद के लिए किया है कि मैं एक नागरिक होने के नाते, एक नगर सेवक होने के, लोक प्रतिनिधि होने के नाते, मैं वार्ड में लोगों से वोट मांगता हूँ, तो लोगों के बारे में भी जवाबदारी हमारी है. और मैं चाहता हूँ कि लोगों ने इस जवाबदारी को संभालना चाहिए, समझना चाहिए. और सबसे एक ही विनती करता हूँ कि आप सिर्फ खुद के बारे में सोचो. आप खुद के बारे में सोचो कि आपको, हमको जिस दिन हमको श्मशान जाना है तो लकड़ी लगती है, उस लकड़ी के लिए एक झाड़ लगाना है. हमको घर में चौखट लगता है, हमारे घर में हमको सेफ्टी चाहिए, तो हमको एक चौखट लगाना है, उस चौखट के लिए हमको एक झाड़ लगाना है. और झाड़ लगाना नहीं है, वृक्षारोपण का दिवस है, हमने वृक्षारोपण किया, फोटो निकाला, खत्म हो गया. नहीं, हमको दिल से, हमको जानिव रख करके उस झाड़ को पानी देना है, खाद देना है. और हमको ये रखना है कि यही झाड़ मेरे अंतिम समय तक काम आएगा, ये सोच करके हमको एक झाड़ लगाना है. और हमको कसम खाना है कि इस झाड़ को हम पानी दे करके हम बड़ा करेंगे. और जिस दिन हम ये सब सोचेंगे और हम झाड़ लगाएंगे, हमको झाड़ लगाने के टाइम पे ये भी सोचना है कि इस झाड़ से हमको ही ऑक्सीजन मिलेगा. हमको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने जितने झाड़ वृक्ष लगाते हैं, उसमें बहुत सारे झाड़ ऐसे हैं कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पेड़ वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं. और हमको जो ऑक्सीजन चाहिए, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं. तो हमको उस ऑक्सीजन के लिए, उस हेल्थ के लिए, हमको हमारे सेल्फ के लिए एक झाड़ लगाना है खुद के बारे में. और हम सबको कसम खाना है कि हमको ज़िंदगी में एक झाड़ मरने के पहले लगा के जाना है. और उसको लगाना ही नहीं, उसको बड़ा करना है. तो हम और हमारे बच्चे को, हमारे आने वाली पीढ़ी को यही चीज़ सिखाना है. हमारे जो पीढ़ी थी, हमारे जो दो पीढ़ी पहले के लोग थे, जो वो पूर्वज बोलेंगे, उन लोगों ने जो झाड़ लगा के गए, उस झाड़ का हम आप अपने घर में चौखट लगा रहे. मैं बिल्डर भी हूँ, तो बिल्डर के नाते भी हम लोग अपनी बिल्डिंगों में चौखट लगाते हैं. तो हमारा फर्ज है, हम बिल्डर लोगों का भी फर्ज है कि हमने झाड़ लगाना चाहिए. हमने बिजनेस करना है, बिल्डिंग में चौखट लगाना है, तो हमने हर बिल्डिंग में झाड़ लगाना चाहिए. बिल्डिंग में झाड़ तो गवर्नमेंट भी बोलती है, तो हमको गवर्नमेंट का कायदे में नहीं, हमने खुद को अपने सेल्फ सोच करके, हमको जिधर भी जगह खुली दिखती है, हमने खुद ने झाड़ लगाना चाहिए. और मैं सबको यही बोलूँगा कि आओ सब मिल के हम कसम खाते हैं कि हमारे लिए, हम खुद के लिए एक झाड़ लगाएंगे. हमने 150 के ऊपर कल झाड़ लगाए, हमने वृक्ष लगाए 150 के ऊपर लगाए हमने. और हमारे पास टीम वर्क है पूरा, क्योंकि हम लोग बिजनेस मैन हैं, तो हमारे पास टीम वर्क है. हम पॉलिटिक्स में है, लेकिन हमको पॉलिटिक्स से ऊपर, बिजनेस से ऊपर लोगों के बारे में सोचना है. अगर जो हम किसी भी फील्ड में, अगर जो एक लेवल पे ऊपर जाते हैं, लोग हमको देखते हैं, तो हमको वो काम करना चाहिए कि हमारे काम करने से लोग देखें और उस चीज़ पे लोग हमको देख के और आगे बढ़ें. हमने झाड़ लगाया, और इसके पहले भी हमने कम से कम 400 झाड़ लगाए हैं. जो हमारी खेती भी इधर है, झाड़ लगाए जिधर हमको अभी हर साल अच्छे आम खाने को मिलते. मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप झाड़ लगाइए, आप हर साल खुद के बिकत आम लेते हैं ना, अपने घर के सामने एक झाड़ लगाइए आम का, 4 साल के बाद आपको खुद को घर पे खाने के लिए आम मिलेगा. आप बिल्डिंग में 2 आम के झाड़ लगाइए,
लेकिन आप सोचिए, खुद के बारे में सोचिए। मैं बोलता हूँ आप समाज के बारे में, लोगों के बारे में मत सोचो, आप खुद का सोचो कि हमको अपने घर में सेफ्टी के लिए चौकट लगाना है, डोर लगाना है, उसके लिए हमको टिकट लगता है, उस टिकट के लिए हमको ये झाड़ लगाना है। हमारे आने वाला बच्चा किधर बिल्डिंग में रूम लेगा, या बच्चा बंगला बनाएगा, या किधर घर बनाएगा, उसको चौकट लगेगा, उस बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए ये झाड़ लगाना है। वार्ड क्रमांक 103 जो है इधर कैलाश नगर का, हमारे वार्ड के लोग एक जागरूक नागरिक है और बहुत अच्छे लोग हैं। कल हम जब झाड़ लगाने के लिए एक हफ्ता पहले बैनर 3 दिन पहले लगाया, होर्डिंग लगाए 2-3, तो लोगों ने खुद सामने से आए लोग और खुद बोले हमको झाड़ लगाना है। और सुबह सुबह हमको बगैर बुलाए सुबह 7 बजे 250 से 300 लोग आ करके खुद झाड़ के लिए, और उन्होंने अपने घर के सामने और उन्होंने झाड़ लगाया। तो हमको यही है कि देखिए लोगों में जागरूकता है, हम लोग को सिर्फ सही राह दिखाने की ज़रूरत है लोगों को, और लोग लगाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं, लोग अभी समझ, लोग सब समझदार हैं और हमारे वार्ड में बहुत अच्छे लोग हैं, हमको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद आगे आ करके वो लोग झाड़ लगाते। और मैं उनका आभार मानता हूँ, दिल से आभार मानता हूँ कि लोगों ने हमको बहुत सहयोग किया। और गणपत जी हमारे माननीय आमदार जी हैं, वो भी खुद आए, उनको हमने फ़ोन किया, एक फ़ोन किया तो खुद आए, और उन्होंने भी बोला बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, और हमारे साथ वो 1 बजे तक थे।